Class 8, how are you all? Today I will start your chapter 2nd of GK subject. The chapter name is the Movements and Revolutions. Okay? Andolan aur Krantikariya. Theek hai? Now start. Several times in the Indian history, thousands of peoples have come together to protect against injustice or to support a cause and have started a movement. मतलब कि जो हमारे इंडियन हिस्ट्री है उसमें कई बार हजारों लोगों ने अन्याय के खिलाफ या फिर एक कारण का समर्थन करने के लिए एक साथ आए और एक आंदोलन शुरू किया, एक मोमेंट शुरू किया. ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया मार्क द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलियम. ठीक है. अच्छा, तो ये जो इंडिया में जो कई जो रिवॉल्यूशंस रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, इन्होंने कृषि मतलब एग्रीकल्चर एंड पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में एक न्यू एरा की शुरुआत की, नए युग की शुरुआत की. ठीक है. अब हम देखेंगे. सेकंड है हमारा ये डिस्क्रिप्शन. रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो द आइडेंटिफाई एंड नेम द फेमस मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशन इन इंडिया. अब क्या करना है, हमें नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और भारत में प्रसिद्ध आंदोलन क्रांतिकारियों के नाम को चिन्हित करना है. अब ये क्या है, जो जो मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशंस हुए हैं इंडिया में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे. तो अभी हमें क्या करना है, उनको पढ़ना है और उनके बारे में उनका नाम बताना. ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है अब इसको हम रीड करेंगे. पॉपुलरली नोन एज द शिपोए म्यूटनी और द ग्रेट रिबेलियन, दिस मूवमेंट्स बिगेन अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. It was a major uprising inspired by a strong urge to gain independence. Okay, Rani Lakshmibai, Tatya Tope, Kuvar Singh, Nana Bhai Sahib were a few important leader of the movements. Okay, तो इसमें क्या बोला गया है, इसका मतलब है कि ऐसे popular सिपाही या विद्रोह या महान विद्रोह हम कह सकते हैं के रूप में ये जाने जाते हैं, ये आंदोलन ब्रिटिश, ये जो मोमेंट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ शुरू हुआ था. ये जो जिसके बारे में बताया गया, जिसके बारे में ब्रीफ बताया गया है, ये एक प्रमुख विद्रोह था. ये क्या मोमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसमें क्या कि हमारी इंडिपेंडेंस प्राप्त मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आग्रह के रूप में इंस्पायर था. ठीक है. इसमें कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना भाई साहेब. इस मूवमेंट में क्या था, कुछ प्रमुख नेता थे ये सारे. ओके, तो इसका नाम आ जाएगा ईस्ट इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट का क्या आ जाएगा, इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. हमारी भारत की पहली ऐसी वॉर इंडिपेंडेंस की जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना भाई साहेब कुछ लीडर्स थे. ठीक है. अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे. सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसका आंसर है स्वदेशी मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अपोज्ड द ब्रिटिश डिसीजन ऑफ पार्टीशंस बंगाल. इट्स आ मैनी इंडियन बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट, बर्निंग इंपॉर्टेंट क्लोथ्स एंड रिवाइलिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स. ठीक है. इसमें क्या है, इस पॉइंट का आंसर है स्वदेशी मूवमेंट. अब इसके बारे में बताया था कि बंगाल विभाजन के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था. ठीक है. और इसमें कई इंडिया के जो विदेशी वस्तुएं थी, इंडिया में जो विदेशी वस्तुएं थी और ब्रिटिश जो बाहर के विदेशों के प्रोडक्ट थे उनका क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया. और जो इम्पोर्टेड कपड़े थे उनको जला दिए गए.
और जो इंडियन की जो गुड्स थी उनके प्रोडक्शन को वापस से पुनर्जीवित किया गया, वापस से इंडिया के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है, बाहर की विदेशी चीज़ों को क्या कर दिया, जला दिया गया, उनका बहिष्कार बायकॉट कर दिया गया और इंडिया की चीज़ों को यूज़ किया गया। तो इस मूवमेंट का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। ओके डियर्स, नाउ स्टार्ट आवर थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, दिस मूवमेंट वॉज लीड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग 1930 to 1934 अगेंस्ट द लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑन 12 March 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी वेयर महात्मा गांधी एंड हिज 78 फॉलोवर्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय प्रोड्यूसिंग सॉल्ट विदाउट पेइंग टैक्स। ठीक है, ये क्या, ये जो मोमेंट है वो रिलेटेड है किससे, महात्मा गांधी से। इसमें क्या किया, ये जो मोमेंट है ये किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 से 1934 के बीच में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके थ्रू लगाए गए कानून मतलब लॉ के खिलाफ था ये। ठीक है, इसमें क्या, ये 12 March 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ था और साबरमती आश्रम से दांडी तक मतलब ये एक प्लेस का नाम था तक, जहां महात्मा गांधी और उनके 78 फॉलोवर्स ने कर मतलब टैक्स का भुगतान किए बिना ही प्रोडक्ट किया, किसका, सॉल्ट का, नमक का उत्पादन किया, उत्पादन करके नमक कानून को तोड़ा। जो ब्रिटिश सरकार थी वहां पर पहले क्या करती थी, नमक जो सॉल्ट के प्रोडक्शन पे क्या करती, टैक्स लगाती थी। तो महात्मा गांधी जी ने और उनके 78 फॉलोअर्स ने क्या किया, वहाँ प्रोटेक्ट किया सॉल्ट का बिना किसी टैक्स को दिए। तो क्या हुआ, और उन्होंने क्या करा, नमक कानून को तोड़ दिया, उसके टैक्स जो लगने का जो भी वहाँ पे रूल था उसको तोड़ दिया। ठीक है, अब ये कौन सा वाला रूल हो गया हमारा, ये मूवमेंट हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब बात आती है हमारे पॉइंट, यस फोर्थ पॉइंट की बात आती है। नाउ स्टार्ट फोर पॉइंट, यस दिस इज आवर फोर पॉइंट। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 इन रेस्पॉन्स टू महात्मा गांधी कॉज द कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग द मूवमेंट्स गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। इस ये ऐसा मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम है क्विट इंडियन मूवमेंट। इस मूवमेंट में गांधी जी ने करो या मरो का स्लोगन दिया। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के थ्रू ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें उसने पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान के जवाब में शुरू किया था। तो ये इन्होंने गांधी जी ने स्टार्ट किया था फ्रीडम के लिए। ठीक है, और इसमें कौन सा स्लोगन था, डू एंड डाई। ओके चिल्ड्रंस, नाउ स्टार्ट आवर फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है, दिस रिवॉल्यूशन इनिशिएट बाय MS स्वामीनाथन एम टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया बाय द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी सच एज ए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ट्रैक्टर्स एंड पंप सेट। ठीक है, इस मूवमेंट्स का नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशंस, ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ओके, तो जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था जो MS जो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन है इन्होंने इस मूवमेंट्स को क्या किया, क्या क्या था, स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद उनका जो मुख्य जो मेन पर्पस था वो था इंडिया में जो मॉडर्न मेथड और प्रोडक्शन और मॉडर्न मेथड का यूज़ करना और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और अधिक से अधिक हाई वैरायटी के सीड्स मतलब हाई वैरायटी के बीजों का प्रोडक्ट करना। ठीक है, और ट्रैक्टर और पंप सेटों के द्वारा के थ्रू क्या करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके डियर्स, तो ये कौन सा हमारा मोमेंट था, हमारा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बात आती है हमारे सिक्स पॉइंट की, हमारा सिक्स पॉइंट, दिस आर सिक्स पॉइंट।
Yes. Next point. This revolution was launched by Dr. Varghese Kurien to make India one of the highest producer of milk and dairy production. डेयरी प्रोडक्शन में इंडिया को नंबर वन बनाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया था. इसका नाम है वाइट रिवॉल्यूशन. ठीक है, अब बात आती है सेकंड, हमारे सेकंड सेवन्थ पॉइंट की. सेवन्थ पॉइंट में ये बता रहा है दिस रिवॉल्यूशन वॉज प्राइमरली लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन स्मॉल पॉन्ड एंड स्मॉल वाटर बॉडीज. It lead to the emergence of aquaculture as an important agricultural activity. It also aimed for proper water management and provision of water for drinking and crop irrigation. ठीक है, इस revolution का नाम है blue revolution. मतलब इस revolution में ये कहा गया था इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हम ब्लू रिवॉल्यूशन इसलिए कहेंगे क्योंकि जो डॉक्टर वर्गीस कुरैशी के थ्रू इस मूवमेंट का शुरुआत भारत में मिल्क मतलब दूध और डेयरी के उत्पादनों को बढ़ाने के लिए था. ठीक है, और जो मुख्य रूप से प्रमुख रूप से छोटे तालाबों और छोटे जल के बॉडीज़ हैं उनमें मछली का प्रोडक्शन बढ़ाना. ठीक है, और जो एक्वा कल्चर है उसको क्या करना, बढ़ाना, मतलब कि जो मछली पालन हो गया इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए था. और साथ ही वाटर का मैनेज करना था, जैसे पीने का पानी फसल के लिए, सिंचाई फसल मतलब के लिए सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सब कुछ क्या इस रिवॉल्यूशन के अंदर था. कौन से रिवॉल्यूशन के अंदर? ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर. ठीक है डियर्स, आपका चैप्टर हैज फिनिश्ड. अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, फेमस फोर्ट्स. इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशंट फोर्ट्स एंड मोन्यूमेंट्स विच डिस्प्लेड्स ग्लोरियस पास्ट. द कंट्री बोस्ट ऑफ सम एक्सोटिक फोर्ट्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी फोर्स एंड ऑफर रॉयल एंड प्रेजेंट एटमोसफियर. दीज आर्किटेक्चरल मास्टरपीस हैव बिकम मस्ट विजिट डेस्टिनेशंस फॉर टूरिस्ट. आप देखिए, फोर्ट मतलब होते हैं किले, और कुछ ऐसे किले होते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं. उन्हीं की पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं और मैं आपको उनका नाम बताऊंगी, प्लस इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. ठीक है, और याद करना है और इन्हें समझना है, देखना है. इंडिया में क्या होता है, कुछ ऐसे पुराने फोर्ट्स हैं जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्या है, फेमस थिंग्स हैं. ओके, तो जो प्राचीन किले हैं और स्मारक हैं जो इंडिया के, वो इसके क्या करते हैं, इसके ग्लोरियस पास्ट को डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, और ये जो फोर्ट हैं, ये किले क्या करते हैं, बाहरी दुश्मन ताकतों से भारत को बचाते हैं और एक खुशनुमा माहौल पैदा करते हैं. ठीक है, और ये जो हमारे जो विजिटर्स होते हैं, जो बाहर से आए हुए पर्यटक होते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन गया है. ठीक है, क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या देखने आते हैं, किले तो देखने आते हैं, है ना. तो हमारा फर्स्ट जो किला है इसे आप अच्छे से देख लीजिए, ये है मेहरानगढ़. ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट, ये है अपना मेहरानगढ़ फोर्ट. ये कहाँ लोकेटेड है, इन जोधपुर राजस्थान. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे बड़ा है ये इंडिया का मेहरानगढ़ फोर्ट क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है. पिक्चर्स आप देख ही रहे हैं. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगी. सेकंड है लोकेटेड, ये है गोलकुंडा फोर्ट. कौन सा फोर्ट है ये देख लीजिए इसे अच्छे से, गोलकुंडा फोर्ट है ये. ठीक है, साथ में इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताऊंगी, लोकेटेड है कहाँ, हैदराबाद में. दिस फोर्ट वाज बिल्ड बाय द
काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, ठीक है, ये वारंगल वंशज के काकतिया वंशज ने क्या किया था, इसे बनाया था, ठीक है। अभी हमारा है थर्ड फोर्थ ग्वालियर फोर्ट। थर्ड पॉइंट है इसे अच्छे से देख लीजिए, ग्वालियर फोर्ट। ये ग्वालियर फोर्ट इट इज़ द वन ऑफ द मेजेस्ट फोर्ट लोकेटेड इन ग्वालियर। ये ग्वालियर में है इसलिए इसका नाम पे क्या पड़ गया, ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। अब बात आती है हमारे फोर्थ में से, फोर्थ फोर्थ की, फोर्थ फोर्थ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। इसे सबसे भारत का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, फोर्ट है। और एंड इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये अपने आप में ही काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देखने आते हैं। अब देख लीजिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये अपना ऑप्शन आ जाएगा इसका चित्तौड़गढ़ फोर्ट। फिफ्थ है हमारा बिदर फोर्ट। कौन सा है, बिदर फोर्ट, बिदर फोर्ट है फिफ्थ। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थन प्लेटन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये कर्नाटक के नॉर्थन प्लेटफॉर्म में कहाँ पर है, सिचुएटेड है, ठीक है, बिदर फोर्ट। ये अपना हेल्प बॉक्स आ जाएगा फर्स्ट। अब आएगा सिक्स क्वेश्चन का, ये कौन सा फोर्ट है, ये हमारे हैं, ये बादरपुर फोर्ट है, बादरपुर फोर्ट। कौन सा फोर्ट है, बादरपुर फोर्ट। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन सिलचार असम। ये असम में है, ठीक है, बादरपुर फोर्ट। सेकंड थिंग है, अब ये अपना हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स थर्ड इसका आंसर है, ठीक है चिल्ड्रंस।